नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स प्लस साथ में जो जीके के वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो राज्य उच्च न्यायालय है उससे संबंधित। राज्य उच्च न्यायालय से संबंधित अब हम बोलें तो हाई कोर्ट। देखो, भारतीय न्याय व्यवस्था में एक तो हाई कोर्ट और जो सबसे बड़ी जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में जो बात करें, जो सभी न्याय जो सबसे जो मुख्य जो है न्याय के संबंधित वो कौन सी है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद आ जाती है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद आ जाती है जैसे जो जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो राज्य की जो न्यायपालिका में उसमें ये त्रिस्तरीय व्यवस्था एक तरह से बनाई गई है। जैसे हम अगर बात करें कि सबसे पहले आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आ जाता है आपका हाई कोर्ट HC, और फिर उसके बाद जो सबसे ऊपर है जो सर्वोपरि है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई मामला अगर सुनवाई हमने अपील करनी है ऊपर तो वो कहाँ अपील होगी, हाई कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट यानी राज्य का जो सर्व प्रमुख या जो सर्वोत्तम जो सबसे ऊंचा जो अपीलीय क्षेत्र है वो कौन सा है, हाई कोर्ट ही। और देश का जो सबसे जहां हम अपील कर सकते हैं वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। तो हम ये कह सकते हैं जो ये न्यायिक व्यवस्था है उसमें जो हाई कोर्ट है, जो न्यायिक व्यवस्था उसमें जैसे हाई कोर्ट है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बीच में आ गई, यहाँ से ये इसको आदेश पर, और यहाँ से क्या है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इससे तो आ गई ऊपर यानी उच्चतम न्यायालय से नीचे है, और अधीनस्थ न्यायालय से क्या है ऊपर क्या है कार्य करता है। बात करें अगर इसकी शुरुआत की तो शुरुआत इसकी जो 1862 में सर्वप्रथम जो राज्य उच्च न्यायालय थे उनकी शुरुआत हुई थी, और इसी के फलस्वरूप क्या है तीन जगह, सबसे पहले खोला गया था कलकत्ता में, जो कोलकाता के नाम से फेमस है कलकत्ता, उसके बाद मुंबई, जो मुंबई, और मद्रास जो अभी क्या है चेन्नई के नाम से फेमस है। तो ये तीन जगह सर्वप्रथम क्या है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 में। तो सर्वप्रथम अगर बात करें कि किसको उच्च न्यायालय का गौरव प्राप्त हुआ था तो वो हुआ था कलकत्ता, सर्वप्रथम क्या स्थापित किया गया था कलकत्ता में, उसके बाद बम्बई और मद्रास में। अगर बात करें चौथे जो न्यायालय की स्थापना हुई थी वो उच्च न्यायालय की कहाँ हुई थी, स्थापना हुई थी इलाहाबाद में, इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। ये संख्याओं के आधार पर, जिसमें अगर हम वकीलों की बात करें, जजों की बात करें, तो संख्याओं के आधार पर क्या है देश का सबसे बड़ा राज्य उच्च न्यायालय और सबसे छोटा राज्य उच्च न्यायालय कौन सा है, वो है गुवाहाटी। यानी कि जजों की संख्या के आधार पर है सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद और सबसे छोटा उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अब बात करें अगर संविधान से संबंधित, तो संविधान से संबंधित क्या है कि भाग 6 है जो अपना, यानी भाग 6 के जो अध्याय जो चैप्टर 5 है उसमें दिया गया है 214 से लेकर 237 तक हाई कोर्ट के बारे में जो सारे उपबंध है वो दिए गए। अब देखो हाई, यहाँ आप आसानी से याद रख सकते हो 1, 2 का 4, एक सॉन्ग भी बड़ा फेमस है 1, 2 का 4, 4, 2 का 1। तो 1, 2 का 4, 1, 2 का 4 में प्लस 23 ऐड करो, यहाँ कितने हो जाएंगे 147 तक। तो ये तो जितने किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, जो अपनी सर्वोच्च न्यायालय है उससे संबंधित है। और अब देखो थोड़ा सा इसमें चेंज कर दो, 1, 2, 4 में 2 पहले ले आओ और 1 बाद में, यानी 214 सेम वही प्लस 23 ऐड करेंगे यानी 237। यहाँ देखो इसमें हाई कोर्ट में जो 214 से लेकर 237 तक जो अनुच्छेद दिए हुए हैं उसमें 214 से लेकर 232 तक तो दिए हुए हैं जो हाई कोर्ट से संबंधित है उससे, और जो बाकी बचे हुए नीचे के 5 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो जिला न्यायालय या जो अधीनस्थ न्यायालय है उनसे संबंधित है। दोस्तों जो पॉलिटिकल साइंस उसका जो मुख्य आप एक तरह से याद करना चाहो तो जो भाग अगर एक बार आप याद कर लो, यानी एक तरह से मुख्य रीढ़ की हड्डी क्या है भाग, इनको याद करने का जो समझने का सबसे अच्छा तरीका, एक बार भाग आप सारे याद कर लोगे तो आपको जो पॉलिटिकल साइंस का क्या है मोटा मोटी जो आइडिया है वो आपको लग जाएगा। अब जो भाग 6 में, भाग 6 में देखो राज्य के बारे में दिया गया है पूरा 152 से लेकर 237 तक, और इससे पहले जो भाग 5 था, भाग 5 में क्या दिया हुआ है, जो राष्ट्रपति से लेकर जो जैसे 52 से 151, ये आसानी से याद रहने वाला है, 52 से 151 तक किसमें दिया हुआ है, भाग 5 में दिया हुआ, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके बाद संसद वगैरह सारी चीज़ें इसमें क्या है शामिल की गई है।
तो दोस्तों ये तो थोड़ा था कि संविधान में इसका कहाँ वर्णन है। आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं मेन मोटा मोटी रिलेटेड इन्हीं से आ रहे हैं, आर्टिकल से रिलेटेड आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन क्या आते थे, इजी इजी आते थे कि जो इसको शपथ कौन दिलाता है, या एक कहाँ का जयपुर का जो राजस्थान का जो मुख्य न्यायालय वो कहाँ स्थित है उच्च न्यायालय, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो थे। वो आजकल आने क्या हो गए, एक तरह से बंद हो गए। तो हम बात करेंगे अब इसी से संबंधित पूरी। तो सबसे पहले जो इसके आर्टिकल्स हैं 214 से लेकर 237 तक की हम बात करेंगे कि इसमें किस आर्टिकल में क्या जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले बात करें आर्टिकल 214। तो आर्टिकल 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, और साथ ही संसद क्या करे, संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्य हैं उनके लिए या संघ राज्य क्षेत्र के लिए क्या है, एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, यानी दो तो राज्य हो गए प्लस केंद्र शासित प्रदेश, तीनों का एक ही चंडीगढ़ में जो उच्च न्यायालय है वो है। यानी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकती है, या जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए भी क्या है, एक जो उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। अब इसमें बात करें, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एक तरह से, 214 एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है पुराने एग्जामों में। अब आर्टिकल 215 की बात करें कि उच्च न्यायालय का क्या है, अभिलेख न्यायालय होना, ये कोई खास इतना इम्पोर्टेंट। अब देखो आर्टिकल 216, 216 क्या कह रहा है आर्टिकल कि प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय का गठन किससे होगा, एक तो मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश। देखो ये जो अन्य न्यायाधीश है ये क्या है, राष्ट्रपति द्वारा, ये मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य न्यायाधीश भी। संख्या इनकी इसके ऊपर निर्धारित करती है कि वो न्यायालय है वो कितना बड़ा है, या उसमें जो काम है वो किस प्रकार से है, इसके बारे में क्या है राष्ट्रपति निर्धारित करना है। कोई इसमें संविधान में कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रपति का जो विवेक, यानी वो अपने विवेक का अनुसार ही क्या करता है, ये नियुक्तियाँ करता है। इसमें जो समय समय पर क्या राष्ट्रपति इसमें नियुक्तियां जो चेंजमेंट करता रहता है अपने विवेक के अनुसार, कि अभी इस समय अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो वो संख्याएं क्या है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है इनमें न्यायों की जो मुख्य न्यायालय हैं उनमें क्या है न्यायाधीशों की संख्या भी क्या है बढ़ रही है। यानी एक तरह से काम के भार के ऊपर भी निर्भर है, और साथ में अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि नहीं हाँ कुछ और हमें जजों की ज़रूरत है तो वहाँ वो क्या करता है, नियुक्त करता है। अगर संख्या के आधार पर बात करें हम, तो जो सबसे छोटा न्यायालय है वो कौन सा है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, और जो सबसे बड़ा है वो कौन सा, अभी हमने पहले बात करी थी, वो कौन सा न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कहाँ है, यूपी का है, इलाहाबाद है यूपी में, और गुवाहाटी ये जो असम का, असम प्लस उसके जो सात साथ में जो आसपास के स्टेट्स हैं उनके बारे में अभी हम आगे करेंगे कि कौन सा स्टेट कौन से किसके साथ है। अब देखो उसके बाद आती है जो अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 देखो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, वही मैंने इसमें लिए हैं। अब देखो सबसे पहले तो इसमें योग्यताएं निर्धारित की गई है आर्टिकल 217 में। तो 217 में देखो ये तो योग्यताएं सभी में है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए एक तरह से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ जो दो मेन चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है कि एक तो भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक क्या है उसने न्यायिक पद ग्रहण किया हुआ हो, और साथ में क्या है किसी उच्च न्यायालय में क्या है 10 वर्ष तक क्या है अधिवक्ता रहा हो। ये दो चीज़ें हैं, एक तो क्या है उसने न्यायिक पद ग्रहण किया हो कहीं ऑल इंडिया में कहीं भी उसने न्यायिक पद, और साथ में क्या है जो हाईकोर्ट उसमें वो अधिवक्ता रहा हो। ये दो चीज़ें क्या है खास है इसमें। फिर इनकी नियुक्ति की अगर बात आती है तो यहाँ हमने पहले बात कर ली कि नियुक्ति इनकी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है देखो किसके परामर्श पर, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श पर, और साथ ही क्या है जो उस राज्य के, जैसे मान लो जिस राज्य में भी उसको नियुक्त करना है तो उस राज्य के राज्यपाल से भी क्या है वो विचार विमर्श करता है, उसके बाद क्या है उसकी नियुक्ति करता है। अब यहाँ नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, अब नियुक्ति होते क्या उसको शपथ दिलवाई जाएगी, शपथ दिलवाई जाएगी तो शपथ कौन दिलाता है, यहाँ शपथ उसको दिलाता है उस जिस राज्य में वो नियुक्त किया जाता है उसका राज्यपाल। अब देखो इनके जो चुनाव जो प्रक्रिया एक तरह से जो अभी खूब विवादों में भी रही थी, जो कॉलेजियम व्यवस्था है इसको क्या खत्म करने के बारे में भी खूब चर्चाएं चली थी, तो ये कॉलेजियम व्यवस्था है इसी के आधार पर क्या करते हैं ये इनका चुनाव करते हैं जो मुख्य न्यायाधीश है।
तो ये कोलेजियम व्यवस्था की बात करें तो 1998 से क्या है अस्तित्व में आई थी। पहले तो क्या एक तरह से राष्ट्रपति है वो इससे विचार विमर्श करता था और साथ में क्या है उनको नियुक्त कर देता था, लेकिन इसकी मनमानी क्योंकि राष्ट्रपति महोदय की मनमानी रोकने के लिए क्या है इन्होंने कोलेजियम व्यवस्था का क्या किया सूत्रपात किया था। इस कोलेजियम व्यवस्था में देखो क्या है कि उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है। देखो एक तो हो गया जो मुख्य न्यायाधीश है वो प्लस दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, इनकी सलाह लेना क्या है अनिवार्य है। साथ ही अगर इनका ट्रांसफर किया जा रहा है तो ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस समय क्या है उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से क्या है परामर्श लेना आवश्यक है। यहाँ 1+2 किसके लिए नियुक्ति के लिए, कोई नया अगर नियुक्त कर रहे हैं हम उच्चतम न्यायालय में, और अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो 1+4 यानी एक जो मुख्य न्यायाधीश प्लस जो चार वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनके द्वारा जो कॉलेजियम में जो नियुक्त किए गए उनके द्वारा जो नाम जो प्रस्तावित किया जाता है, जो नाम प्रस्तावित किया जाता है वो फिर किसके पास भेजा जाता है। जैसे इन्होंने 1+2 ये कॉलेजियम में जो डिटेल थे इन्होंने एक नाम प्रस्तावित किया और राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया संस्तुति उसकी, जो ये दो वरिष्ठ न्यायाधीश प्लस एक जो मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने राष्ट्रपति महोदय को संस्तुति भेजी कि हमने इस नाम का चयन किया है। तो राष्ट्रपति यहाँ क्या कर सकता है, या तो इनको क्या कर सकता है पुनर्विचार के लिए लौटा देता है कि भाई नहीं ये मेरे नाम कुछ सेट नहीं हो, आप ऐसा करो इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए, तो पुनर्विचार किया जाए। लेकिन यहाँ जो कॉलेजियम जो नियुक्त किया गया था कॉलेजियम वापस अगर उसी जो नाम है उसको भेज देता है तो राष्ट्रपति को उसका अनुमोदन करना ही पड़ता है। ये एक तरह से क्या था कि राष्ट्रपति का जो सर्वे सर्वा बनाया गया था उसको क्या है कि वो राष्ट्रपति महोदय अपनी ही इच्छा अनुसार किसी सबको नियुक्त ना कर दिया, इसलिए ये कॉलेजियम व्यवस्था बनाई गई थी। देखो नियुक्ति के लिए हमने बात कर ली थी, एक तो मुख्य न्यायाधीश प्लस दो ये क्या है वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये तो क्या है जब जज बनाया जाएगा जो मुख्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसके लिए है ये प्रोसेस, और जो ट्रांसफर किया जाएगा उसमें क्या हो जाएगा जो 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस जो चार वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनकी सलाह ली जाएगी ताकि राष्ट्रपति क्या अपनी मनमानी नहीं कर सके। इसी के लिए क्या है कॉलेजियम व्यवस्था जो स्थापित की गई थी। अभी पिछले दिनों को साल 2 साल पहले खूब चर्चा में भी रही थी ये कॉलेजियम व्यवस्था। शपथ के लिए हमने बात कर ली, शपथ जिसको कौन दिलवाता है, शपथ जो उस राज्य का राज्यपाल है वो इनको क्या दिलवाएगा जो मुख्य ये आर्टिकल 214 में आता है। तो शपथ हो गया, शपथ के बाद बात करते हैं इनके न्यायाधीशों के वेतन की। तो वेतन देखो इनको दिया जाता है संचित निधि से, ठीक है वेतन दिया जाएगा जो राज्य की संचित निधि है उससे। और यहाँ जो खास चीज ध्यान में रखने वाली है जो पेंशन का, तो पेंशन इनको दी जाएगी जो केंद्र की संचित निधि है उससे दी जाएगी। देखो इसमें कारण है केंद्र की संचित निधि से जो पेंशन दी जाती है वो इस कारण दी जाती है कि जब ये जज रहते हैं तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट राज्य में रहेंगे, जैसे अभी राजस्थान में, फिर यूपी में चले गए, फिर त्रिपुरा में चले गए, तो वहाँ उस टाइम जिस राज्य में ये मुख्य न्यायाधीश हैं या जो न्यायाधीश हैं उस समय उनको वेतन तो वहाँ की जो राज्य सरकार वो दे देती है। लेकिन पेंशन क्यों देगी राज्य सरकार, कि पेंशन इसलिए नहीं देगी क्योंकि उन्होंने पूरे समय उसी राज्य में काम नहीं किया है, इसलिए क्या है यहाँ केंद्र सरकार की जो संचित निधि है उससे क्या है यहाँ इनको पेंशन दी जाती है। तो ये थोड़ा सा आप अंतर ध्यान में रखना, इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है और पेंशन इनकी निर्धारित कहाँ से की जाती है, और इनका जो वेतन भत्तों का निर्धारण है वो कौन करता है, संसद करता है। तो ये दोस्तों ये जो खास बात है इसमें थोड़ी पेंशन वही आप थोड़ा ध्यान में रखना। फिर अगर आर्टिकल करें 222 यानी 222 की बात करें, आर्टिकल 222 कह रहा है कि उच्च न्यायालय न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण है वो दूसरे उच्च न्यायालयों में कर सकता है किसके, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। इसमें हमने बात कर ली थी कि जो कॉलेजियम व्यवस्था उसमें जो चार अन्य मुख्य न्यायाधीश हैं, सॉरी जो चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनकी भी क्या है इनको जो सलाह लेनी आवश्यक है, उसके बाद ही क्या है ये इनका ट्रांसफर दूसरे राज्य में। इसके अलावा जहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश प्लस जहाँ से ट्रांसफर हो रहा है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश भी से क्या है यहाँ चर्चा लेनी, जो सलाह मशवरा लेना आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं पद रिक्त होने पर, तो पद रिक्त देखो किस समय हो सकता है,
पद रिक्त के कई कारण है। एक तो क्या है, अन्य न्यायाधीशों में जैसे बात करें उच्च न्यायालय का जो कोई मुख्य न्यायाधीश है उसको उच्चतम न्यायालय में अगर नियुक्त कर दिया जाता है तो एक तो क्या है, तब पद रिक्त हो गया, ठीक है, एक तरह से क्या है। और दूसरी हम चीज़ बात करें कि उनको हटा दिया जाता है, हटाने से संबंधित है। अब ऐसे तो किसी को हटा नहीं सकते, यहाँ क्या है उसको वही महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही क्या है उसको हटाया जाता है। उच्च न्यायालय को जो नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, तो हटा भी कौन सकता है, राष्ट्रपति के आदेश से ही क्या है उसको पद से हटा सकते हैं। इसके अलावा उसे क्या है जो महाभियोग प्रक्रिया है उसके आधार पर भी क्या है उसको हटा सकते हैं। ये महाभियोग प्रक्रिया में जो उसको बहुमत चाहिए वो क्या है, दो तिहाई बहुमत होना, समर्थन मिलना आवश्यक है, तभी उसको उठाया जा सकता है। और या तो वो क्या कर रहा हो जो कदाचार साबित हो जाता है उसका, या फिर अगर वो सक्षम नहीं है काम करने में, साथ ही अगर वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, आदि प्रक्रियाओं के ऊपर क्या है उसको हटाया जा सकता है। अब यहाँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन की महाभियोग प्रक्रिया देखो किस प्रकार से प्रारंभ की जा सकती है। तो यहाँ जो लोकसभा है, जो लोकसभा में सर्वप्रथम 100 सदस्यों के जो साइन होने चाहिए, और अगर राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जा रहा है तो वहाँ कितने सदस्यों के साइन होने चाहिए, 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और ये प्रस्ताव किसको सौंपना चाहिए। यहाँ अगर लोकसभा में वो प्रस्ताव पारित हो रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, और राज्यसभा में अगर प्रस्ताव हटाने का पारित हो रहा है तो वो किसको सौंपा जाएगा, जो राज्यसभा का जो सभापति है उसको सौंपा जाएगा। उसके बाद ही जो आगे प्रोसेस चलती है, और उसके बाद 2/3 बहुमत होने पर ही क्या है उसको हटाया जा सकता है। ऐसे तो कोई भी हटा देगा किसी को भी, तो ये थोड़ी सी इसमें क्या है ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर आज तक भारतीय राजव्यवस्था में बात करें, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में बात करें, तो ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि किसी न्यायालय को जो मुख्य न्यायाधीश है उसको हटाया गया हो। सिर्फ एक दो बार जैसे हम बात करें, कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है वहाँ सौमित्र सेन थे 2009 में मुख्य न्यायाधीश, तो उनको क्या किया गया था, मतलब भ्रष्टाचार के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो संपन्न नहीं हुआ। उससे पहले क्या हो गया था, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा भी एक कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे PD दिनाकरन, उनके टाइम पे भी ऐसा हुआ, लेकिन महाभियोग के द्वारा अभी तक हटाया किसी को ही नहीं किया गया। इन्होंने पहले क्या दे दिया था, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये कुछ खास बातें थी। इसके बाद जैसे पद रिक्त होने पर, एक तो ये महाभियोग वगैरह से पद रिक्त हो जाता है, तब एक जैसे अन्य न्यायाधीशों में से जैसे नियुक्त कर दिया जाता है, इसको आप ऐसे समझो कि पद रिक्त हो गया, अब काम तो करना ही है, गवर्नमेंट को काम तो चलाना ही है, न्याय व्यवस्था तो सुचारू रूप से चलानी है, तो वहाँ क्या करते हैं, ये जो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनमें से किसी को क्या है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है, और क्या है काम सुचारू रूप से चलता रहता है। एक 224 आर्टिकल जो अवर न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में देखो, ये आर्टिकल 224 क्या कहता है कि न्यायालय में अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वो जो कोर्ट है उसमें कार्यभार बहुत ज़्यादा हो रहा है और अकेले जो चीफ जस्टिस है उसके बस की बात नहीं, तो वो क्या करता है किसी योग्य व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए नियुक्त कर देता है, और वो अवर न्यायाधीश नियुक्त करता है। इसकी मैक्सिमम जो अवधि हो सकती है वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2 वर्ष तक का इसको अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और किसके द्वारा किया जाता है, ये भी नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। तो ये दोस्तों, ये अवर न्यायाधीश की जो कार्यकाल है वो ध्यान रखना आप, इसमें थोड़ा 2 वर्ष तक उसको क्या है नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद बात करें अगर पदावधि की, पदावधि तो उम्र कितनी हो सकती है, 62 वर्ष तक क्या है वो पद ग्रहण कर सकता है। ये तो अभी नॉर्मल सा क्वेश्चन आ सकता है, कोई ज़्यादा। त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, बहुमत द्वारा हमने बात कर ली, 2/3 बहुमत से क्या है इसको हटा सकते हैं। अगर देखो इसकी उम्र की बात आती है, अगर इससे संबंधित कोई विवाद होता है तो उससे संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, उस समय राष्ट्रपति ही करता है। तो ये दोस्तों कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनके बारे में बताया। अभी हम इस बात करते हैं कि जो इनके क्षेत्राधिकार हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी
हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर हमें कोई जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं है, या इसको अपील क्षेत्राधिकार हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इसके नीचे जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी इनके न्यायालय हैं अधीनस्थ न्यायालय, उनके सभी निर्णयों को इसको क्या है सुनने का अधिकार है या बदलने का, जो भी है सब अधिकार किसको दिए गए हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार में, इसको हाई कोर्ट को दिए हुए हैं। फिर बात करें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आ जाता है कि जो राजस्व मामले हैं या आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो राजस्व मामले हैं उनके संग्रह के संबंध में, और जो मूल अधिकार हैं उनसे अगर उल्लंघन हो रहा है उनका या कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो उससे संबंधित जो मामले हैं, ठीक है, उनके मामले में ये क्षेत्राधिकार किसको दिया हुआ है, ये हाई कोर्ट को दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे बात करें, जैसे संसद या जो राज्य विधानमंडल है, संसद से उनके जो निर्वाचन संबंधी विवाद है वो क्या है इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे विधानसभा में किसी नेता से संबंधित, विधायक से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका जो क्षेत्राधिकार किसके अंडर में आएगा, हाई कोर्ट के अंडर में ही आएगा। इसके बाद जैसे संविधान की व्याख्या के संबंध में जो अधीनस्थ न्यायालय से जो मामले हैं, अधीनस्थ न्यायालय में कोई जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह मामले हैं, तो वो क्षेत्राधिकार किसका है, इसी का है, हाई कोर्ट का ही क्षेत्राधिकार है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम तीसरे अधिकार की बात करें, रीट क्षेत्राधिकार, यानी इसको रीट जारी करने का अधिकार है। अब देखो, रीट क्षेत्राधिकार दो प्रकार से जारी की जा सकती है। एक तो आर्टिकल 32 कौन सा है, जो हमारे जो मूल अधिकार है उनमें है ये आर्टिकल 2, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके तहत भी 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं, और वहाँ रीटें कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय है वो आर्टिकल 32 के अंडर क्या करता है, जो रिटे जारी करता है। और जो हाई कोर्ट करता है रिटे जारी, वो कौन से आर्टिकल के अंडर करता है, आर्टिकल 226। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि 32 आर्टिकल के अंडर जो रिटे जारी करता है वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। जो मूल अधिकारों में दिया 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। तो यहाँ देखो, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी रिटें क्या है ये चीज़ें। तो सबसे पहले बात आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, तो बंदी बना लिया गया तो उसको अंडर जो within 24 hours के अंदर क्या है, उसको प्रत्यक्ष किया जाए, यानी जो बंदी है उसको क्या किया जाए, प्रत्यक्ष उसको दिखाया जाए, यानी कोर्ट में पेश किया जाए 24 hours में। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कोर्ट क्या करती, कोर्ट के समक्ष पेश करना पड़ता है 24 hours में। इसके बाद दूसरी बात करते हैं परमादेश, यानी जो आदेश क्या है, परम है, परम आदेश। एक तरह से इन्होंने जो आदेश दे दिया वो क्या है, सब जगह मान्य है। अब ये परमादेश किसे दिया जाता है, ये बात खास ध्यान में रखने वाले, जो सरकारी कर्मचारी है या जो सार्वजनिक अधिकारी है। सार्वजनिक अधिकारी कौन से होंगे, गवर्नमेंट कर्मचारी होंगे, जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या जो सार्वजनिक अधिकारी या कर्मचारी है उनको ये क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। किस लिए, क्योंकि अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, या कार्यों को क्या करते हैं, नकारते हैं, गवर्नमेंट को कार्यों को नकारते हैं, तो उनसे संबंधित जो ये आदेश जारी करता है वो क्या है, परमादेश है। ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, या कोई गैर संवैधानिक जो विभाग है उनके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, ये जो सरकारी विभाग है उन्हीं के खिलाफ क्या है, जारी किया जा सकता है। इसके बाद बात करें प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या, एक तरह से रोकना, यानी प्रतिषेध नाम से किसी चीज़ को रोकने के लिए क्या करना, बाध्य करना। प्रतिषेध में क्या होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, चलो इस उत्प्रेक्षण भी रहे, सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन सा आ जाएगा, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंडर कौन सा आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी ये इसको कह सकती है, रोक सकती है कि ये जो अधिकार है तुम्हारे, ये जो आप मामला देख रहे हो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसको प्रतिषेध कर सकती है, रोक सकती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है हाई कोर्ट को रोकने के लिए, और हाई कोर्ट को अधिकार है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोकने के लिए कि आपको ये अधिकार दिए हुए नहीं है।
इसलिए क्या है वो प्रतिषेध रोक लगाती है एक तरह से उनके ऊपर। तो ये है प्रतिषेध। उत्प्रेषण की बात करें तो उत्प्रेषण क्या है, एक तरह से सूचना देना है किसी को, उत्प्रेषण सूचना देना, यानी क्या है अगर सुप्रीम कोर्ट इससे हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, अगर उनको लगता है कोई मामला लंबित चल रहा है और वो इनके अधिकार क्षेत्र में है, तो वो क्या करते हैं इनको आदेश पारित करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको फॉरवर्ड कर देता है मामला हाईकोर्ट को, और हाईकोर्ट किसको फॉरवर्ड कर देता है सुप्रीम कोर्ट को मामला फॉरवर्ड कर देता है। तो ये है उत्प्रेषण से संबंधित। फिर अधिकार परीक्षा की बात करें तो अधिकार परीक्षा से संबंधित ये कहता है कि आपका अधिकार क्या है, जो आपका अधिकार है उससे संबंध, यानी किसी व्यक्ति द्वारा जो सार्वजनिक कार्यालय है उसमें अपने दावे की जांच के लिए क्या किया जाता है, ये जारी किया जाता है, ये क्या है अधिकार परीक्षा। तो ये रीट क्षेत्र अधिकार है, ये पांच इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आर्टिकल 32 और 26 तो आप ये मान के चलो हर दूसरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि आर्टिकल 32 के अनुसार जो रीट है वो कौन जारी करता है और आर्टिकल 226 के अनुसार जो रीट है वो कौन जारी करता है। इसके अलावा भी जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान के हाथ में, ये सारे जो क्वेश्चन है वो इन दोनों जो आर्टिकल है इनसे संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय और अगर इनके अधिकारों की बात करें क्षेत्र अधिकार, तो ये क्या है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, यानी जो इसके अंडर में जैसे हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट किसके ऊपर नियंत्रण रखेगी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके ऊपर, और जो जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके ऊपर नियंत्रण रखेगी, हाई कोर्ट के ऊपर नियंत्रण रखेगी। एक तरह से क्या है पर्यवेक्षण करना ही है, नियंत्रण का मतलब ये होगा उनका सुपरविजन करना है, यही क्या है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अब बात करें अंतरण संबंधी अधिकार, अंतरण संबंधी अधिकार मतलब आर्टिकल 228 के, इसमें आर्टिकल 228 के अंदर ये दिया हुआ है, यदि उच्च न्यायालय को ये आभास हो जाए कि अधीनस्थ न्यायालय में जो मामले लंबित हैं वो संविधान की व्याख्या के बारे में, जो प्रश्न के बारे में विचाराधीन है, ठीक है, तो वो क्या करता है उस संबंध में उनको आदेश जारी करता है कि ये मामला कहाँ भेज दिया जाए, उसके पास भेज दिया जाए। तो ये क्या है अंतरण संबंधी, यानी अगर उनके जो नीचे वाले जो न्यायालय हैं उनमें अगर संविधान की व्याख्या के बारे में कोई प्रश्न विचाराधीन है तो वो क्या करते हैं उसको आदेश करते हैं कि इसको कहाँ भेज दिया जाए, उनके ऊपरी बेंच में भेज दिया जाए। फिर है अभिलेख न्यायालय, तो ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी अभिलेख न्यायालय है, न्यायिक पुनरावलोकन। अभिलेख न्यायालय क्या है कि कोई भी, जैसे अभी हाईकोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास कर दिया, तो कोई भी ऑर्डर पास करने के बाद क्या है उसका जो जो आदेश है वो जो निचले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, यहाँ हाई कोर्ट किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश पारित किया तो वो हाई कोर्ट के लिए सबके लिए मान्य है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी क्या है मान्य, यानी इनके जो आदेश जारी कर दिया इन्होंने उनके ऊपर हाई कोर्ट में भी सवाल नहीं उठाया जा सकता और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी क्या है सवाल नहीं उठाया जा सकता, एक तरह से वो क्या हो जाती है कानूनी परंपराएं हो जाती है, ठीक है। ये है अभिलेख न्यायालय, यानी एक तरह से वो क्या हो गया, एक SOP ही हो गई, कानूनी बन गया वो एक तरह से, कि इन्होंने जो कानून में जो मैं जो दे दिया एक बार फैसला दे दिया, उसी फैसले को क्या है एक तरह से परिसाक्ष्य के लिए रखे जाते हैं कि हाई कोर्ट भी उसी के अनुसार काम करेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी क्या है कि उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे जो इन्होंने पहले फैसला दिया है। तो ये क्या है अभिलेख न्यायालय। एक है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की बात करें तो ये क्या होता है कि जो राज्य विधानमंडल है, या अगर केंद्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, जो राज्य विधानमंडल है या केंद्र सरकार है ये कोई अधिनियम जारी करता है, ठीक है, कोई आदेश जारी करता है और हाईकोर्ट को ऐसा लगता है या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं ये क्या है जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, बात समझ रहे हैं, हाँ विधानमंडल अगर कोई अध्यादेश पारित करता है कोई अधिनियम पारित करता है तो हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं ये संविधान का क्या कर रहता है उल्लंघन कर रहा है, तो वो क्या करता है उन्हें ऐसा असंवैधानिक घोषित कर सकता है, उन्हें शून्य घोषित कर सकता है और उसके बाद क्या है सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। तो ये दोस्तों कुछ थे जो हाईकोर्ट या ये दोनों एक जैसे ही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट दोनों के लिए जो क्षेत्राधिकार। अब बात करते हैं जो न्यायिक, जो अभी भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो न्यायालयों की संख्या वो कितनी है 24 है, अगर संख्याओं के आधार पर बात करें तो भारत में संख्या एकमात्र दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का क्या है उच्च न्यायालय है।
ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया कि 24 उच्च न्यायालय दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है। इसके बाद संयुक्त न्यायालय की बात करें तो अभी कितने हैं, 3 + 1 जो अभी तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश हो गया उसका जो कहाँ हैदराबाद में, तो 3 कौन कौन से हो गए, तो मुंबई, मुंबई किन किन का संयुक्त न्यायालय है, मुंबई प्लस गोवा, मैं सिर्फ राज्यों की बात कर रहा हूँ, मुंबई प्लस गोवा, ये बाकी इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाता है जैसे दादरा और नगर हवेली, ऐसे तो संयुक्त तो बहुत है, लेकिन राज्यों का जो संयुक्त है उसके बारे में बात कर रहे हैं, मुंबई का प्लस जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी में कौन कौन सा आ जाता है, एक तो असम आ ही जाता है, उसके बाद नागालैंड आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, ये जो 4 स्टेट है वो किसमें आ जाते हैं, गुवाहाटी में आ जाते हैं। और चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपको पता ही है, पंजाब और हरियाणा ये दो किसके अंडर में आते हैं, चंडीगढ़ में, और खुद जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है वो भी किसके अंडर में आता है, चंडीगढ़ और हैदराबाद। तो ये चार चार क्या है, संयुक्त न्यायालय। इसके बाद जो ज़्यादातर जो न्यायालय वो क्या किए गए हैं, राजधानियों में ही बनाए गए हैं। जैसे हम बात करें मुंबई उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय कहाँ है, मुंबई में है। जैसे पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कहाँ है, कलकत्ता में है। और जो दिल्ली है वो दिल्ली में है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश तो उसका कहाँ है, शिमला में। तो ये तो सारे क्या हैं, कई राज्यों की राज्य में, अगर कई बाय द वे पूछ ले एग्जाम में कि राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो जबर आदमी क्या बताएगा तुरंत कि जयपुर, जयपुर होगा कि उच्च न्यायालय कहाँ होगा, लेकिन नहीं, आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि राज्य के अलावा जो न्यायालय हैं उनके कौन कौन से हैं, बाकी तो आप सब बता ही दोगे। यहाँ सबसे पहले बात करें तो यूपी की बात करते हैं, तो यूपी क्या है, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद क्या है, तो इसकी जो तो बेंच है, यूपी की राजधानी कहाँ है, लखनऊ में, यानी इसकी जो तो बेंच है वो तो कहाँ है, लखनऊ में, लेकिन जो मुख्य जो है क्षेत्र वो न्यायालय वो कहाँ है, इलाहाबाद में, और ये राज्य जो देश का है सबसे बड़ा राज्य न्यायालय भी है। इसके बाद बात करते हैं बिलासपुर, तो छत्तीसगढ़ का जो मुख्य न्यायालय है उसकी जो पीठ का, जो मुख्य पीठ का है वो बिलासपुर में है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात का कहाँ है, अहमदाबाद, क्योंकि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, लेकिन उसका जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, अहमदाबाद में है। इसके बाद एर्नाकुलम, एर्नाकुलम अब केरल की राजधानी, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, लेकिन उनका जो उच्च न्यायालय वो कहाँ होगा, एर्नाकुलम। फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है, जबलपुर, और इसकी जो अन्य पीठें हैं जो खंडपीठ है वो कहाँ है, एक तो इंदौर में है और एक कहाँ है, ग्वालियर में। फिर कटक, अब उड़ीसा है, कटक कहाँ होगा, उड़ीसा, यानी उड़ीसा वैसे है भुवनेश्वर राजधानी, लेकिन ये जो उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, कटक में स्थित है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है, और इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ है, जयपुर में स्थित है। इसके बाद नैनीताल, तो उत्तराखंड का कहाँ स्थित है, नैनीताल में। तो दोस्तों ये आज उच्च न्यायालय के बारे में कुछ चीज़ें थी, जो इनके बारे में कुछ जो हैं आर्टिकल्स वो मैंने छोड़ दिए थे, कोई खास इम्पोर्टेंट थे नहीं इसलिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।